हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एरर का पार्ट टू। और इससे पहले मैंने आपको पहला पार्ट करा दिया है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे और 10 क्वेश्चन यहां पर भी हम कवर करने वाले हैं, तो इसको पूरा ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन का सेट है, इससे पहले भी जो मैंने कराया था वो CGL का है और ये भी मैंने CGL का लिया है। 2016 में ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही सीरीज में कराऊंगा, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आए हुए क्वेश्चन को ही देखेंगे, 2016 में पूछे गए हैं, और साथ में हर टॉपिक की जो है प्रैक्टिस चल रही है, तो आप डेली इवनिंग में वीडियो देखा करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ में मॉर्निंग में आपका एपिक स्टेनो की क्लास चल रही है, उसमें मैं आपको बुक ऐप के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसको डेली आप ज़रूर देखें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, आई हैव कम एज सून एज द कस्टमर लीव योर शॉप। मतलब इसका ये हुआ कि मैं वैसे ही आ जाता हूँ, मतलब तुम्हारी दुकान पर मैं वैसे ही जो ही कस्टमर जो है दुकान छोड़ करके जाता है तभी वो आ जाता है। तो एक हैबिचुअल एक्शन की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन की बात चल रही है तो उसको हम परफेक्ट टेंस में नहीं लिखेंगे, हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म है यानी परफेक्ट में है, तो परफेक्ट में नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो आएगा यहाँ पर आई कम एज सून एज द कस्टमर लीव योर शॉप। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो हर क्वेश्चन को आप पहले खुद से करने का प्रयास करें, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन हिम मनी। तो इसमें आपको बताना है इसमें क्या एरर है। तो इसमें एरर हो जाएगा आपका बी पार्ट में, कहाँ पर, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें बी, मैंने इतना बता दिया आपको कि इसमें बी पार्ट में एरर है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि इसमें एरर क्या है, किस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें बी पार्ट में एरर मैंने आपको बता दिया, अब तो काफ़ी आसान हो गया आपके लिए, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है किस स्थान की जगह कौन सा शब्द आएगा, मतलब किस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रीजन फॉर माई अब्सेंस इज ड्यू टू इल हेल्थ। कि जो मेरी अब्सेंस का यानी मेरी जो अब्सेंट का जो रीजन रहा वो क्या रहा, मेरी खराब हेल्थ। तो इसमें आपको बताना है क्या एरर है। तो देखिए, अगर सब हम सेंटेंस को द रीजन से स्टार्ट करते हैं, तो द रीज़न खुद ऐसा शब्द है जो कारण बताता है, तो उसके बाद हमें ड्यू टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज या ड्यू टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी यहाँ से मुझे ड्यू टू काटना पड़ेगा और हमारा सेंटेंस जो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, कुड शी साइट एनी प्रेसिडेंट इज सपोर्ट फॉर हर केस। तो इसमें आपको बताना है क्या इसमें आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द सपोर्ट, और सपोर्ट के बाद फोर का यूज नहीं करते हैं, ऑफ का यूज, ठीक है। सपोर्ट ऑफ आएगा यहाँ पर, फोर नहीं आएगा, यानी सी पार्ट में हमारा एरर था और आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर, द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज फील्ड That there is no use of discussing about the problems with the laborers. तो इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है, और काफ़ी ईजी एरर है, सेंटेंस भले ही लंबा हो लेकिन एरर आपकी बहुत ईजी है। देखिए एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर discussing, discussing जो शब्द बना discuss से बना, तो discuss हो या फिर discussing लिखा हुआ हो, उसके बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट, तो अबाउट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि डिस्कस हमेशा आप लिख
आपको लगता होगा कि डिस्कस अबाउट यानी किसी के बारे में डिस्कस करना, लेकिन डिस्कस का मतलब ही ये होता है किसी के बारे में डिस्कस करना, तो उसके साथ अबाउट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो अबाउट यहां पर काटना पड़ेगा हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर हु वाज ही एंड व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हर। इसमें आपको बताना है क्या एरर है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है हु वाज ही, लेकिन अगर मैं लास्ट में देखूं तो यहां पर का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव तो है नहीं। ठीक है, इंटरोगेटिव नहीं है, यानी ये जो सेंटेंस है वो है इनडायरेक्ट स्पीच का। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमें पता है चाहे कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हमारे पास लिखा हुआ हो उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा, न कि वर्ब आएगी। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो पहले मुझे सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वर्ब आएगी, यानी मैं वाज ही के स्थान पर कर दूंगा ही वाज, तो ही वाज यहां पर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वन शुड कीप हिज वर्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी कराया है और ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, तो यहां पर आपको बताना है क्या इसमें आंसर रहेगा। देखिए जो हमारा पजेसिव केस होता है उसमें जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये जो पजेसिव कोई सा भी केस हो वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है हिज और सब्जेक्ट लिखा हुआ है बन, तो क्या बन के अकॉर्डिंग हिज सही है? गलत है। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा बन के अकॉर्डिंग बंस। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? बंस, यानी ओ एन ई अपोस्ट्रोपी एस के साथ। ठीक है, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव बन का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। तो यहां पर आपको बताना है क्या इसमें आंसर रहेगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है बिल, तो बिल के बाद हमें पता है विल या शैल हो, बिल हो या शैल हो, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन फाउंड यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म होती है, तो इसके स्थान पर क्या करना पड़ेगा मुझे? फर्स्ट फॉर्म फाइंड, तो फाइंड यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हिज अपीयरेंस बियर्स ए स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस टू योर कजन। तो इसमें बताना है क्या इसका आंसर रहेगा। तो जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नो एरर। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर सही लिखी हुई है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे सॉल्व हो जाते हैं, और इसी प्रकार से मैं आपको डेली कोशिश करूँगा कि डेली आपको क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड कराऊँ प्रैक्टिस के लिए सभी टॉपिक के। तो इवनिंग में आपको डेली मिल जाया करेंगे, आप जरूर चेक करें एक बार को, हमारे चैनल पर विजिट करके एक बार जरूर चेक करा करें आप। इवनिंग में आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।